पंजाब की फजाओं में जहरीला धुआं, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे, कराची छठे नंबर पर। मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अमवात, तादाद 28,784 हो गई। 232 नए केस रिपोर्ट, शरह 0.56% रही। पाकिस्तानी उम्रा जायरीन के लिए खुशखबरी, सऊदी हुकूमत की उम्रा वीज़ा जारी करने की हिदायत। जायरीन बराह रास्त फ्लाइट पर सऊदी अरब पहुंच सकेंगे। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले क्वारंटीना की शर्त से मुस्तस्ना। सिंगल डोज के हामिल जायरीन को 5 रोज क्वारंटीना करना होगा। कराची में जामे क्लॉथ का इलाका मैदान जंग बन गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस का पुलिस के हमरा अलावाली मार्केट पर छापा, ताजरों का शदीद एहतजाज। तादाद में गैर कानूनी अशिया बरामद, ताजरों का आज जामे क्लॉथ मार्केट के सामने धरना देने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती एक्ट तरमीमी बिल पर एतराज लगाकर वापस भेज दिया। नजर सानी की इस्तदा, कहा तरमीमी बिल पर नोटिफिकेशन आइन की रूह के खिलाफ है। DMCs के खात्मे से कोऑर्डिनेशन का मसला पैदा होगा, कोई देही इलाका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए। PDM ने लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम दे दिया। मार्च 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर वापसी का वक्त तय करेंगे। असम्बलियों से इस्तीफे के मामले पर सब मुत्तफिक, इस्तीफे का कार्ड कब इस्तेमाल करना है फैसला वक्त पर अपनी मर्जी से करेंगे। फवाद चौधरी का जवाबी वार, बोले PDM तबई उम्र पूरी कर चुकी, पहले भी कई बार तारीखें बदलें, ये तारीख भी खत्मी नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।